नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बिपिन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूजर हैं तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे हाउ टू कंप्रेस फोटो एंड वीडियो। दोस्तों, फोटो और वीडियो का क्वालिटी हम कैसे कंप्रेस करें, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी वीडियो से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या वीडियो से म्यूजिक निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल पे आके हम जिस इमेज को हम कंप्रेस करना चाहते हैं, हम गैलरी पे जाके उस इमेज को ओपन करके अभी देख लेते हैं उसका क्वालिटी कैसे हमको विजिबल होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करके उस इमेज का ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए, ये इमेज को हम अभी कंप्रेस करेंगे। देखिए, ये कितना क्लीन एंड क्लियर हमारे सामने विजिबल हो रहा है। हम यहाँ पे इन्फो में क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये कितना एमबी एक्वायर किया है। दोस्तों, देखिए 4.5 एमबी ये इमेज एक्वायर किया है। हम इस इमेज को अभी कंप्रेस करेंगे। अभी कंप्रेस करके ये कितना हो जाता है हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, जैसे क्वालिटी का कोई घटेगा नहीं और एमबी कम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हम बैक चलते हैं। इसके लिए हमको मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दोस्तों, आपके मोबाइल के गैलरी में जितने सारे फोल्डर होगा यहाँ पर सभी विजिबल होगा। दोस्तों, यहाँ पर कंप्रेस वीडियो सिलेक्शन है, देन हम यहाँ पे स्वाइप अप कर लेते हैं। देन देखिए, कंप्रेस फोटो का ऊपर जब हम टैप करते हैं, जितने सारे फोटो का फोल्डर हमारे मोबाइल पे है सभी फोटो का फोल्डर यहाँ पे विजिबल होगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं जिस इमेज को कंप्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे फोल्डर में क्लिक करके उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, ये इमेज हमारा 3.9 एमबी एक्वायर किया है। हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो इमेज मैंने आपको दिखाया वही इमेज है। उस इमेज को सिलेक्ट करके टॉप राइट कॉर्नर जहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम उसका ऊपर क्लिक कर लेते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में टिक मार्क में क्लिक करके हम इस इमेज को कंप्रेस कर लेते हैं। दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। देन यहाँ पे देखिए, टॉप में मेंशन है एक ऑप्शन, ओरिजिनल रेजुलेशन। हम यहाँ पे टॉप में जो ऑप्शन है हम उसको सिलेक्ट करके देन बॉटम में कंप्रेस फोटो में सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कंप्रेस क्वालिटी आप कितना रखना चाहते हैं। जो बार दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे 80% या 50%, मैं यहाँ पे 60% रख लेता हूँ। 60% रख के, सॉरी 58% रख के देन कंप्रेस फोटो में टैप कर लेता हूँ। देखिए, पहले दोस्तों ये इमेज 3.9 एमबी का था, यहाँ पे कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए 862 केबी का हो गया है। कितना घट गया है देखिए, टॉप में जो बार दिखाई दे रहा है बिफोर कितना था, आफ्टर कितना हो गया है। दोस्तों, हम अभी इस इमेज को जो कंप्रेस किया हुआ इमेज को अभी ओपन करके आपको दिखाएंगे वो इमेज कैसे दिखाई दे रहा है, उसका क्वालिटी में कोई कमी आया है या सेम हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। बैक आके हमारे जो कंप्रेस किया हुआ इमेज हमको कैसे विजिबल हो रहा है, हम यहाँ से गैलरी पे जाके उस इमेज को ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, ये इमेज हमको जैसे पहले था ऐसा सेम हमको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे बटन में इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, ये इमेज कितना एमबी एक्वायर किया है। देखिए, पहले था 3 MB प्लस, यहाँ पे 883 KB एक्वायर किया है। तो यहाँ से बैक आके हम अभी देखेंगे वीडियो कैसे कंप्रेस होता है। यहाँ से हम बैक आके उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे कंप्रेस वीडियो लिखा है हम उसको सिलेक्ट करके हमारे मोबाइल में जितने सारे फोल्डर वीडियो का होगा यहाँ पे सभी विजुअल होगा। हमको जिस वीडियो को कंप्रेस करना है हम वहाँ पे उस फोल्डर में सिलेक्ट करके उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर एक वीडियो मिला है। देखिए, उस वीडियो का साइज है 148.2 MB। हम इस वीडियो को कंप्रेस करके अभी देखेंगे कि ये कितना MB का हो जाता है, 148 MB। दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंस्टाग्राम हुआ या व्हाट्सअप हुआ, अगर आप किसी के पास कोई भी वीडियो सेंड करते हैं तो आप उसको कंप्रेस करके सेंड कीजिए। कंप्रेस करने से क्या होगा ना, आपका डाटा भी कम खर्च होगा और वीडियो जल्दी से सेंड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं बीच बीच में ऐड आ जाता है, आप उसको स्किप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आप चाहे उसको फुल HD या HD, आपको अगर कम क्लैरिटी में चाहिए तो आप उसको
45% या 35% में अगर करेंगे तो 18 MB, इस तरह का कम MB में आपको एक्सपोर्ट होने लगेगा। मैं उसको HD में कन्वर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जब HD में कन्वर्ट किया, देखिए 37.7 MB का हो गया। कितने कम में ये कंप्रेस होके हमारे सामने शो हो रहा है, आप अपने हिसाब से उसको देखिए। ये अभी प्ले हो रहा है, मैं इसका म्यूजिक को म्यूट कर दिया हूँ कॉपीराइट की वजह से। देखिए दोस्तों ये अभी कितना क्लीन एंड क्लियर हमारे सामने ये वीडियो अभी विजिबल हो रहा है। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वीडियो या इमेज को आप इजीली कंप्रेस करके किसी के पास सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डाटा की भी बचत होगा और वीडियो इजीली सेंड हो जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन में और एक फीचर है, जो भी वीडियो आप सिलेक्ट करते हैं आप चाहे उस वीडियो से कोई भी ऑडियो आप निकाल सकते हैं, MP3 में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले से ये वीडियो सिलेक्ट है, जहाँ पे लिखा है लेफ्ट में एक्सट्रैक्ट MP3, हम एक्सट्रैक्ट MP3 में सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट MP3 सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए प्रोसेस होने के बाद ये ऑलरेडी हमारा मोबाइल के गैलरी पे जाके शो हो गया। देखिए मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से जाके म्यूजिक में क्लिक कर लेता हूँ। मैं कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक को म्यूट कर दिया हूँ। देखिए ये MP3 अभी कन्वर्ट होके हमारा ऑडियो लाइब्रेरी में ऐड हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप फोटो और वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं और वीडियो से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल पे आके प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर में आके वीडियो कंप्रेसर ऐप लिखने पे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे वीडियो कंप्रेसर एंड वीडियो कटर ऐप यहाँ पे शो कर, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। 4.5 रेटिंग है, 10 मिलियन डाउनलोड हुआ है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपको और एक फीचर कहना भूल गया था, जहाँ पे लिखा है कॉर्ड प्लस कंप्रेस। कॉर्ड प्लस कंप्रेस में टैप करके किसी भी कंप्रेस किए हुए वीडियो को आप कॉर्ड कर सकते हैं और बीच में से ट्रिम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।